मैंने अपने कमाई में डैडी नहीं दीती। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा फन ब्लॉग है, थोड़ा मस्ती करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज चाइकर ब्रार एंड आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो। तो आज के ब्लॉग में हम आपको लेके चलते हैं कहीं दूर। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मिलवाना चाहेंगे अपने फ्रेंड से विक्की न्यूजीलैंड जो बैठे हुए हैं हमारे पीछे। गुड। सो ये अभी रिसेंटली कनाडा पहुंचे हैं, आज भाई को आए हुए हो गया एक हफ्ता और कहीं हम जा नहीं पाए थे घूमने के लिए। तो भाई क्योंकि थोड़ा सा मेरे एग्जाम भी चल रहे थे और क्या बोलते हैं भाई भी बिजी था अपने काम में, सारे सिम नंबर बैंक अकाउंट जो भी होता है सब कंप्लीट हो गया। तो आज भाई को लेके जा रहे हैं, काफ़ी फेमस मॉल है यॉर्कडेल मॉल शॉपिंग सेंटर, तो वहाँ पे कुछ काम था हमें, तो हमने सोचा क्यों ना भाई को भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कनाडा का मॉल कैसा है। सो वैसे काम क्या है वो भी बता देते हैं। आज सुना है सैमसंग पे सेल चल रही है और मैं तो सैमसंग यूज़र हूँ, बहुत दिन हो गए थे फ़ोन मुझे बाय करना था लेकिन नहीं कर पा रहा था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी, फीस भी पे करना और टॉन्ट तो बहुत मिल रहे थे, भाई साहब गाड़ी ले ली है फ़ोन भी ले लो, क्योंकि फ़ोन की हालत कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, ये हो चुकी थी फ़ोन की हालत, बुरी तरीके से टूट चुका था। तो घर पे भी बात होती थी तो फ्रंट कैमरा चलता नहीं था, ऐसे करके बैक कैमरा दिखा के जो है वीडियो करनी पड़ती थी। और वैसे तो मैं इसे अभी ऐसे ही चलाता रहता, अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था टूटे हुए, एक साल ही हुआ था, लेकिन इसने जो है कुछ कारनामे करने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ तो कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है वो ऊपर ही रहते हैं, तो एक दिन 911 पे कॉल लगा दी, फ़ोन ने अपने आप पॉकेट में रख के तो बाहर पुलिस आ गई, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने कॉल लगाई है, तो पता चला कि भाई मैंने नहीं मेरे फ़ोन ने लगाई थी। अक्सर ऐसा होता रहता है, एक बार उसने 24 को कॉल कर दी। तो हमने सोचा क्यों ना चलो आज जाके, सुना है कि सेल चल रही है कुछ बेटर डिस्काउंट है, तो चल के फ़ोन भी परचेज़ कर लिया जाता है, देखते हैं क्या ऑफ़र है, कौन सा फ़ोन मिलता है। यॉर्कडेल पहुँचते हैं, उससे पहले पूछते हैं तारिक भाई से, जिनका एक्चुअल नाम तारिक है, विक्की न्यूजीलैंड के नाम से फेमस है, तो इनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है इन्हें कनाडा आके, एक हफ्ता हो गया है। तारिक भाई बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप? वैसे एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई खास स्पेशल फील महसूस नहीं हो रहा है, गम ज़्यादा है ना इनकी आवाज़, इसलिए थोड़ी स्लो निकल रही है। नहीं थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, आवाज़ ज़्यादा नाक बंद है तो उस वजह थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो आते ही वेदर खा गया है, मतलब जब से आया हूँ मैं तब से मेरी तबीयत खराब है, अभी जब रिकवर हो जाऊँगा अच्छे से तो फिर मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या बता सकता हूँ कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अभी ओवरऑल तो काफ़ी बेटर, पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट एक मिनट की ड्राइव रह गई है। बहुत ज्यादा भीड़ है। भीड़ बहुत ज्यादा है, जल्दी से भागते हुए चलते हैं सैमसंग स्टोर की तरफ क्योंकि ऑलरेडी 6:45 हो चुका है और उसका क्लोजिंग टाइम है 7। फाइनली पहुंच चुके हैं स्टोर में, ये रहा आपका सैमसंग, जल्दी से पहुंचते हैं और देखते हैं भाई क्या डील देता है भाई। भाई स्टोर ऑलमोस्ट क्लोज हो गया था 7 बजे, तो हम लेकिन ये था कि स्टोर के अंदर 5 मिनट पहले एंटर हो गए थे और जहाँ एंटर हो गए फिर तो हम जाते ही नहीं है बाहर, तो हम घर फिर जो है फ़ोन सेलेक्ट किया, थोड़ा सा टाइम लगा, फ़ोन हमने ले लिया है सैमसंग का और काफ़ी एक्साइटेड है अनबॉक्सिंग करने के लिए। और अभी मॉल भी बंद हो चुका है। तारिक भाई विक्की न्यूजीलैंड फ़ोन कैसा लगा आपको? ऑसम ऑसम, अभी अनबॉक्सिंग आप ही करेंगे इसकी, ठीक है? घर जाके दिखाते हैं आपको।
पहुंच चुके हैं घर, करते हैं फोन की अनबॉक्सिंग, दिखाते हैं कौन सा फोन लेकर आए हैं। तो भाई साहब ओपन करते हैं बैग, स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। तो इसमें हमें कुछ बेनिफिट भी मिले हैं, ज़्यादा तो फोन पे हमें ऑफ मिला है, जो एक्चुअल प्राइस था उससे काफ़ी कम मिला है। एक्चुअल प्राइस था 18 समथिंग, हमें फ़ोन मिला है 15 में, प्लस उस पर 5% डिस्काउंट स्टूडेंट मिला। तो उसके अलावा डैमेज वारंटी भी उन्होंने दी है $68 में, कि 2 साल तक अगर फ़ोन कैसे भी, क्योंकि मैं फेंकता ज़्यादा हूँ ना, उन्होंने जब मेरा फ़ोन चेक किया टूटा हुआ वाला, तो बोले कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, आप ले लीजिए। तो 79 में कुछ भी आप चेंज करवा सकते हैं, भले से वो कैमरा ही क्यों ना हो। और उसके अलावा उन्होंने ये वॉच भी उन्होंने हमें दी है, इसका भी अराउंड था 450 प्राइस था, तो ये 200 में मिली, अराउंड 50% डिस्काउंट था। उसके ऊपर उन्होंने 5% हमें और डिस्काउंट दिया है। तो उसके बाद आता है कौन सा फ़ोन लेके आए हैं भाई, ड्रीम फोन था बहुत दिनों से लेने के लिए, ये आ गया आपका S22 Ultra। तो इसे अब हम करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं फ़ोन कैसा है। करते हैं भाई अनबॉक्सिंग फ़ोन की S22 Ultra। और भाई साहब खुल गया सिम सिम, ये आ गया आपका फ़ोन। आई थिंक चार्ज नहीं है अभी, तो चार्ज कर, ओह चार्ज है, ये आया सैमसंग S22 Ultra जो हमने बाय किया है। फ़ोन काफ़ी सेक्सी लग रहा था, हमने जेड फ्लिप और फोल्ड भी चेक किया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थिक था, लाइट वेट था, काफ़ी दिन से वेट कर रहा था इस फ़ोन के लिए, आज डील मिली तो आज मैं लेकर आया हूँ इसे। तो इन्होंने केबल दिया है हमें फ़ोन के साथ, सिर्फ एडाप्टर नहीं दिया है, ट्रैवल एडाप्टर नहीं दिया है। तो फ़ोन तो काफ़ी सेक्सी है, बढ़िया है, लेकिन बहुत डिसअपॉइंट हुआ मैं जब मुझे पता चला है, मैंने उससे पूछा कि चार्जर यार तुम्हें एटलीस्ट एडाप्टर देना चाहिए, तो वो कहता है उसका प्राइस है 1250, मतलब 1250। अरे भाई फ़ोन मुझे 1500 का पड़ा है, सिर्फ चार्जर की 1250 पे करूँ, मैंने क्या रहते भाई बुरा नाले से काम चला। तो भाई साहब फ़ोन लेके आ गए हैं, अब ब्लॉग जो है बिल्कुल नहीं रुकेंगे बनना, अभी तक फ़ोन टूटा हुआ था तो ब्लॉग नहीं बन पा रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए भाई के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लोलिस कॉल के साथ।